सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद लोकसभा से आता हूँ। मेरी लोकसभा फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा में मंडल नारखी पुण्य टूंडला पानी की समस्या से अत्यधिक परेशान है। यहाँ का पानी खारी है तथा यहाँ के बासिंदे खारी पानी पीने के लिए बाध्य हैं। इन मंडलों के 50-60 गाँव तो ऐसे हैं जिनमें खारी पानी इतना कड़वा है कि कुल्ला करना भी असंभव है। इस फ्लोराइड पानी को पीने से अधिकांश नदियों की हड्डियाँ टेढ़ी हो गई हैं, जिससे वह चलने फिरने में असमर्थ हैं। वह अपने दैनिक जीवन के कामकाज को भी संपन्न करने में असमर्थ हैं। यहाँ के बासिंदे मीठे पानी की एक एक बूंद पानी को पाने उतरस रहे हैं। मीठा पानी मीलों की दूरी से लगा खाना पड़ता है। उनका अधिकांश समय पानी की व्यवस्था में ही लग जाता है और वह कृषि कार्य करने के व्यस्त पूरी समय को वहीं बर्बाद करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, जिससे उनके विकास की गति भी धीमी हुई है। इसके साथ ही यहाँ का पानी जल स्तर अत्यधिक गिर गया है, जिससे हैंडपम्प पानी देना बंद कर गए हैं। पानी की किल्लत के कारण चार तरह मची हुई है। एक मिनट, विधानसभा टूंडला से सिरसा नदी भी सहन नदी भी जाती हैं। ये दोनों नदियाँ बरसों से सूखी पड़ी हैं। इन दोनों नदियों में पानी छोड़ने के कई प्रयास किए, लेकिन अधिकारियों की हड़दंगा के कारण हाथरस पहनने से पानी नहीं छोड़ा जा सका। अगर इन नदियों में हाथरस पहनने से पानी छोड़ दिया जाए तो कुछ हद तक पानी की समस्या हल हो सकती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से दायर करता हूँ कि मेरी लोकसभा क्षेत्र फिरोजाबाद की पानी की समस्या का शीघ्र निराकरण करें, जिससे यहाँ के बासिंदे अपने नरकी जीवन से बाहर आएँ, अमन चैन का जीवन जी करें, खुशहाली का जाहिर करें। धन्यवाद।